और कह रहे हैं ये क्या है डक। बंदे ने मेरे को बोला कि मैं आ रहा हूँ 10 मिनट तक, आप फ्रेंच फ्राइज बनाने लगे विदाउट नमक। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब यार, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका बिस्मृति व्लॉग्स के अंदर। सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप यू ऑल फाइन। तो गाइस यार अभी आप देख रहे हो, अभी सुबह के बज चुके हैं 7:07 बजे। मैं यहाँ पर जम्मू में बस स्टैंड में आया हूँ बिकॉज मेरा माल आया हुआ, तो अभी मैंने कॉल किया बंदे को वगैरह, मैं आ रहा हूँ यहीं पे देने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे आया। और अभी जम्मू का माहौल सुबह सुबह का तो बहुत यार ऐसा लगता है बिल्कुल फ्रेश लग रहा है माहौल, ठंडी ठंडी हवाएं बाहर चल रही हैं। तो ये देख सकते हो बाहर का माहौल किस तरह का, बिल्कुल शांति और बसें चल रही हैं और काफी ज्यादा सही लग रहा है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ सेंट पीटर स्कूल के पास, तो यहाँ पर खड़े होकर वेट कर रहा हूँ बंदे का। उस बंदे ने मेरे को बोला कि मैं आ रहा हूँ 10 मिनट तक, आप खड़े हो वहाँ पे अपने, मैं यहीं पे वेट ही कर रहा हूँ बंदे का, तो फटाफट आए तो फिर मैं निकलूंगी। सुबह सुबह ठंड भी बहुत लगती है उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा इस टाइम हवा वगैरह चल रही है ना। कि आपको पता है रात को फंक्शन में गए थे, तो एडिटिंग मैंने रात को आके की नहीं, बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, फिर सुबह जल्दी उठना भी था मुझे, तो बस अभी यहाँ पे गाड़ी में बैठते जब तक तो बंदा नहीं आ रहा तब तक एडिटिंग करूंगा, उसके बाद घर पे जाके अपलोड लगा दूंगा। तो गाइस देख सकते हो यार मैंने अपना माल जो है वहां से ले लिया हुआ है, अब जा रहा हूँ सीधा घर पे। और पहले यहाँ से मजदूर एक देखना पड़ेगा जो अंदर घर तक लेके जाएगा, ये भी एक दिक्कत ही है। अब सुबह सुबह पता नहीं मजदूर मिले ना मिले, तो देखते हैं कि मिलता है या नहीं मिलता। मैं यहाँ तो पहुंच गया हूँ पुरानी मंडी अपने घर के पास, तो मजदूर फिलहाल यहाँ एक भी नहीं दिख रहा मुझे। इधर से भाई साहब हमारा माल निकालते हुए यार माल तो ले गया वो अंदर, अब मैं जा रहा हूँ पार्किंग गाड़ी लगाने के लिए। देखो कितने सारे काम, सिटी के अंदर पार्किंग की ज्यादा प्रॉब्लम है, उस वजह से काम थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है। ऐसे बंदा घर के बाहर लगाता तो दिक्कत खत्म हो जाती, बट अब जा रहा हूँ पार्किंग में, और पार्किंग में गाड़ी लगा के फिर कहीं जाके घर जाके मैं आराम से सो सकता हूँ। सुबह सुबह वैसे मैंने देखा यार हर जगह माल ही उतर रहा था। सीधा थोड़ी देर के बाद ही मिलूंगी, मुझे एडिटिंग भी करनी है यार, एडिटिंग मेरी थोड़ी सी हुई तो बंदा आ गया था। गाइस यार आज आपको पता है थर्सडे है, तो थर्सडे को होता है मेरा फास्ट, और मम्मी आज मेरे फास्ट के लिए तैयारी कर रही है। आज मैं खाने वाला हूँ फ्रेंच फ्राइज विदाउट नमक। तो आज साईं बाबा जी का दिन है, पहले साईं बाबा जी के नाम पे जयकारा लगा हूँ, साईं राम जी। तो बस अब मम्मी बनाना शुरू हो गई भी है, काट रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़। ये देख रहे हो फ्रेंच फ्राइज बनाने लगे विदाउट नमक, क्योंकि मैं नमक वाले नहीं खाता ना व्रत में, इसीलिए। तो हमारी सुनिधि जी अगर आपको यहाँ से मुझे भी नहीं दिख रही वैसे, अभी देखते हैं अंदर क्या कर रही है। ये देखा, ये बैठी है हमारी सुनिधि जी। और टाइम वैसे बाय द वे टाइम हो गया वह 5:20, पूरे दिन व्लॉग नहीं बनाया। जो माल सुबह आया था वो फिनिश कस्टमर आया था, तो वो निकल गया माल। तो बस अभी सुनिधि जी हमारी प्यारी सी जो कल शादी में बहुत चमक रही थी, है ना, चमकता वो चेहरा क्यों। तो बस यार अभी मम्मी बना रही है, बनाएंगे उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। राहुल तो चला गया स्टेशन, क्योंकि थर्सडे था ना, तो मैं नहीं गया, मन नहीं किया मेरा जाने का। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि आज मैं भी तैयार हो गया हूँ पेंट कोट डाल के अपना, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं एक और फंक्शन में, जिनकी कल बारात थी आज उनकी रिसेप्शन है आज, लेकिन सुनिधि अभी जा रही है आज मैच। और हमने ऐसे रखा हुआ है एक दिन दो बंदे एक जाएंगे, एक दिन दो बंदे एक जाएंगे, क्योंकि ऐसे भी नजरों में आए थे ना हम लोग सारे कि सगन कुछ नहीं देना, और बंदे आए थे गड्ढे। तो आज हम लोग जा रहे हैं और नीरज भी आज हमारे साथ हैं, भैया गाड़ी चला रहे हैं और मैं पीछे सिर्फ रेस्ट कर रहा हूँ आज। आज एंजॉय मोड। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर फंक्शन में पहुंच तो चुके थे, बट वहां पर ज्यादा शोर होने की वजह से हम लोगों को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। यहाँ पे काफी अच्छा माहौल लग रहा है, यहाँ पर लाइटिंग काफी अच्छी थी, यहाँ का माहौल काफी अच्छा था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह की कलाकृतियां भी की जा रही है, और यहाँ पर देवरानी और जेठानी काफी ट्यूनिंग में डांस करते हुए, और ये दूल्हे के भाई को तो मजा ही आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किस लेवल का डांस हो सकता है, और ये दूल्हे राजा नीचे बैठ गए हैं, ऐसा क्या हो गया, काफी ट्यूनिंग में डांस। और ये हमारे दो सज्जन पुरुष भी आ चुके हैं, और ये आज नाच रहे हैं, बट ये थोड़े दिनों में ये शांत हो जाएंगे क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है अब तो। और ये हमारी प्यारी सी अंजनी भाभी भी आ चुकी है यहाँ पर डांस करते हुए हल्का हल्का सा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
यहाँ पर अभी फिलहाल जो है रात के समझो 12:30 हो गए हैं और लाइट इन्होंने बंद कर दी। अब तो कहीं जाके फिर लोग रुके हैं, तो काफी ज्यादा मजा आया शादी में। और सिर्फ दुख की बात एक थी कि मेरा फास्ट था और लाइट आ गई है फिर से। वाह, लाइट आ गई है बड़ा। और हमारा नीरज जी खाने का सेवन करते हुए फर्स्ट क्लास, पता नहीं क्या क्या खाई जा रहा है। और हमने आज कुछ भी नहीं खाया, हम आज भगवान के भक्त पूरे दिन में। ये देखो जी राहुल जी, कुछ इस तरह का लुक है आज मेरा। और ये सूट भैया की शादी का, मैंने 150 बार डाल लिया ये। और मेरा सूट ये नया नहीं बन रहा है कोई, गजब बेइज्जती है। ये देखो जी नीरज जी, वो लुक भी। और बाकी उनका जो छोटा बच्ची की शादी हुई है वो पीछे फोटोशूट करवा रहा है। तो बस यार अब यहाँ से निकल से तब घर पे ही पहुंचेंगे। और हमारी हीना जो है वो यहाँ पे भी, देखो ये हमारी हीना जी, क्या ले रहे हो? सूप ले रही है मैडम। आज आज इनके देवर की शादी हो गई आखिरकार संपन्न, तो ये मस्त हो गई है ना, खुशी है। अब ये जठानी बन गई, इनका रैंक जो है वो ऊपर हो गया हुआ है। टेस्टी, ओ माई गॉड। तो आज काफी ज्यादा मजेदार हो गया यहाँ का। और ये देखो इनकी फोटो ही खत्म नहीं हो रही, मुझे समझ नहीं आ रही कितनी फोटो खिंचानी है यार। और ये कहते, और ये बोल रहे हैं कि मैं जेलस हूँ। इनको क्या पता, इनको क्या पता मैं जब मीटिंग करनी तो व्लॉग बनाता हूँ पूरा। ये जो है ये कह रहे हैं अभी हम नए नए हैं, तो इनको मेरे ख्याल से एक फोटोग्राफर साथ दे देना चाहिए हमेशा। अभी और क्या, नहीं नहीं खुली खुली फोटो खिंचाओ, आपकी व्लॉग बन रहा है, कमाल है। करो इधर डांस, देखो कैसे फोटो शूट हो रहा है, पोजेस अलग अलग। तो फाइनली गाइस अब हम लोग निकल गए यहाँ से, अब चलते हैं सीधा घर पे। तो टाइम काफी ज्यादा हो चुका होगा, 1 बज गया होगा लगभग। 1 बज गया? हाँ, 1:15 तो हो ही गया होगा। तो फटाफट निकलते हैं, काफी ज्यादा एंजॉय किया आज, ये लास्ट फंक्शन था, बस खत्म हो गए फंक्शन फिलहाल। तो अभी और भी कोई आ रहा है ना पीछे, वो कहा है न्यू कपल, वो आ रहे हैं अभी। फोटो खिंचा रहे हो, बर्ड कौन सा है भैया? और कह रहे हैं ये क्या है, डक? डक कौन सी डक होती है? डक नहीं है ये, क्या सब डलेगा? नहीं मैं पूछूंगा ना, तभी आप पूछो आपको। तो गाइस अगर आपको भी पता है ये कौन सा वाला, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ये कौन सा बर्ड है पता ना? अच्छा तुझे पता, मगर हम पूछूंगा सबसे पहले। हाँ वो भी आ रहे हैं, मैं बताता हूँ, मेरे को पता है, राहुल को पता है। राहुल तेरे को पता है? वाह फकर है मेरे को तेरे पे, तुझे पता है? मैं बताता हूँ कह रहा है, उनको भी पूछना ना। एक्सक्यूज मी, ये एक्सक्यूज मी प्लीज, ये कौन सा बर्ड है? ये कौन सा बर्ड है? स्वैन, स्वैन, यस, बत्तख। एक सेकंड, चलो तो ये तो गलत है ना, उन्होंने बोला स्वैन है। हाँ जी, एक सेकंड पहले हम चेक कर ले स्वैन कैसा होता है। पहले मुझे ये बताओ कि आज ये टेस्ट हो गया। तो गाइस अभी राहुल को पता है, इसलिए राहुल ज्यादा शकी मारा मुझे लग रहा है ऐसा। ये होते हैं फ्लेमिंगोस, फ्लेमिंगोस होते हैं जी, फ्लेमिंगोस ये अंग्रेजों के जमाने के ज्वेलर थे। मैं अगर मैं गलत हो गया तो गलत ये भी ठीक हो सकते हैं। यार सबसे बड़ी बात यह कि ये नाम मैंने जिंदगी पहली बार सुना है। इसे क्या है, एक्सपीरियंस ही है और क्या, क्या करूं तू समझ गई ना, मुझे पता चल गया। हमें मेरे को अगर इसने बता भी दिया मुझे कल भूल जाएगा। जीके बढ़ गई मेरी, जीके बढ़ गई, कल केबीसी में क्वेश्चन आ गए। तो चलो गाइस आप लोग सीधा घर पे मिलते हैं यार। ना 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 ना, ये दिखाएगा चित्र में पक्षी कौन सा है। वाह, स्विम नहीं करता, स्वैन स्विम करता है, स्वैन स्विम करता ना ये। हां ऊपर से बॉडी स्वैन जैसी थी इसकी। तो यार गाड़ी तो हमारी आ गई है, जिसकी एक हेडलाइट मेरे ख्याल से नहीं चल रही है, दूसरी भी आ चुकी है, किया सोनेट। भैया चाबी आपके पास है? चलो सर। हाँ मैं वही, तभी सीटियां मार रही है।